इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन पर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करके वहां से बढ़िया पैसे कमा सकते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर बिल्कुल नए क्यों ना हो। क्योंकि दोस्तों, अगर आप किसी भी स्टॉक में एक अच्छा सा स्टॉक आप सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां से आपको जो है बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलता है। वहां पर आपका कोई भी लॉस नहीं होता। तो ये मैं किस वजह से कह रहा हूँ कि वहां पर आपका कोई भी लॉस क्यों नहीं होता, क्योंकि दोस्तों लॉस और प्रॉफिट ये चीज आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में देखने को मिलती है, जहां पर आपको क्या करना होता है, एक ही दिन में आपको जो है कोई भी स्टॉक खरीदना है और उसी दिन आपको उसको बेचना है। तो वहां पर ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इन्वेस्टिंग में आपको सिर्फ प्रॉफिट ही देखने को मिलता है। तो यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो आपने इन्वेस्ट करा है उससे प्रॉफिट लेने के लिए यहां पर आपको टाइम देना पड़ेगा। ना ही वो एक दिन में आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, ना ही एक हफ्ते में और ना ही एक महीने में। यहां पर आपको कुछ महीने भी लग सकते हैं, एक साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये पक्का है कि आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलता है। जितना ज़्यादा आप टाइम के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड पर रखते हैं, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर आप एकदम नए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, आपको नहीं पता कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी ट्रेडिंग एप्लीकेशन आपके लिए सही रहेगी और कौन सा अच्छा स्टॉक रहेगा आपके लिए, कैसे हम स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिस पे हमें इन्वेस्ट करना है, वो सारी चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, पूरा प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैंने अपनी ट्रेडिंग एप्लीकेशन ओपन कर लिए, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कैसे हमें स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए, कैसे हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको भी इसी एप्लीकेशन के अंदर इन्वेस्ट करना है, वो वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा ये कौन सी एप्लीकेशन है, कैसे आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। लगभग सभी ट्रेडिंग एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है, कैसे उसमें स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, वो सेम ही रहता है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको फर्क नहीं देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, गेनर्स और लूजर्स। गेनर्स में दोस्तों वो बड़ी कंपनी आती है इंडिया की, जहाँ पर उनका शेयर प्राइस हाई जा रहा है, यानी कि उनका जो है शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, जहाँ से उनको प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन अगर आप लूजर्स में सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पर इंडिया की वो टॉप कंपनी होगी जिनके शेयर प्राइस अभी डाउन में है, उन पर ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं मिलता। तो लूजर्स और गेनर्स में आपको ये फ़र्क देखने को मिलता है। अब गेनर्स में यहाँ पर मैं दिखाऊं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, टाटा पावर, पावर स्टील, इस तरीके से सीमोर पर मैं क्लिक कर दूंगा, सारी कंपनी यहां पर आपको देखने को मिल जाती है, बजाज ऑटो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरीके से। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहां पर मेरे पास था, मैंने इन्वेस्ट करा था टाटा मोटर्स में। उसके बाद यहां पर अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो अभी शेयर प्राइस है वो 1040 रुपये के लगभग आपको अभी देखने को मिल रहा है। और ये यहां पर ग्राफ है, ये एक दिन का ग्राफ है कि इसका जो शेयर प्राइस है वो कितना डाउन गया, कितना अप गया, वो यहां से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर एक दिन का ये रहा, एक वीक का भी यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं, एक मंथ का भी देख सकते हैं और एक साल का भी। अभी एक दिन पर हम सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल देगा परफॉर्मेंस का, कि एक दिन में जो है इसका शेयर प्राइस कम से कम कितना जा सकता है, यानी कि 1014 रुपये तक इसका कम से कम जा सकता है और हाई पे 1047 रुपये तक जा सकता है। और ये निशान आपको दिखाई दे रहा है, तो इससे आपको ये पता चलता है कि इसका प्राइस हाई की तरफ गया है एक दिन में, ये लो की तरफ, तो अभी इसका प्राइस जो है हाई की तरफ गया है। उसके बाद यहाँ पर इसका जो है आप 52 वीक्स का भी देख सकते हैं कि 52 वीक्स में इसका प्राइस कम से कम कितना जा सकता था, और ज़्यादा से ज़्यादा ये निशान आपको हाई की तरफ ही देखने को मिल रहा है, यानी कि दोस्तों इसका जो प्राइस है अभी हाई की तरफ ही गया है। यहाँ से जिन्होंने भी इन्वेस्ट करा होगा उनको बढ़िया प्रॉफिट ही मिला होगा। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि एक साल पहले जो है इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो क्या था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मैं बिल्कुल एंड में चला जाता हूँ, तो एक साल पहले इसका प्राइस था 435 रुपये। अब मान लीजिए दोस्तों, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन कर लूँगा, 435 रुपये यहाँ पर आपने इन्वेस्ट करे और उसमें दोस्तों आपने 50 शेयर्स खरीद लिए, इसकी कीमत हो गई 21,750 रुपये, यानी कि 21,750 रुपये आपने इन्वेस्ट करे, आपने जो है एक ट्रेडिंग स्टॉक में लगाए। अब उसके बाद यहाँ पर जो है अभी इसकी जो लाइव शेयर प्राइस है वो देख सकते हैं 1029 रुपये के लगभग है, और इसको अगर मैं अब यहाँ पर 445 हटा दूंगा और 1029 रुपये यहाँ पर लिख दूंगा, तो आप देख सकते हैं 51,950 रुपये। तो इतना प्रॉफिट यहाँ पर दोस्तों उनको हुआ होगा जिन्होंने एक साल पहले इसके सिर्फ 50 शेयर्स ही खरीदे होंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर आप एक बढ़िया कंपनी में पैसे लगाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आपको बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट के अंदर ही। और यहाँ पर आपको जो है प्रॉफिट ही मिलेगा, लॉस नहीं होगा आपका, क्योंकि ये दोस्तों एक दिन में नहीं मिलता, क्योंकि इसमें कई महीने भी लग जाते हैं और मैंने कहा साल भी लग सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब दोस्तों, जो भी आप इन कंपनीज़ में, इन शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने बताया था 21,000, आप उसमें 30,000 भी कर सकते हैं, आप उसमें 50,000 भी कर सकते हैं, 1,00,000 भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों, आपको इन्वेस्ट किस कंपनी में करने हैं वो मैं आपको अब बताता हूँ।
अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये तो सारी वे कंपनी है जिनके अभी शेयर प्राइस हाई पर जा रहे हैं, लेकिन आपको दोस्तों जिनके शेयर प्राइस अभी लो पर जा रहे हैं उन पर आपको जो है अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब उनके प्राइस हाई पर जाएंगे तब आपको बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए हम टॉप लूजर पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सारी वो कंपनी आ जाएगी जिनके जो है अभी शेयर प्राइस डाउन पर है। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए जोमेटो पर क्लिक कर दूंगा, जोमेटो का भी शेयर प्राइस है 160 रुपये एक शेयर प्राइस का, और अगर एक साल पहले का देखें इसका कितना था तो यहाँ पर 53 रुपये आपको देखने को मिलता है, लेकिन अब क्या है 160 रुपये, और एक साल बाद क्या पता कितना हो। तो वो आप देख सकते हैं कि अगर आप अभी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक साल बाद आपको जो है बढ़िया प्रॉफिट ही देखने को मिलता है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि बढ़िया कंपनी के अंदर ही जो है इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे TVS मोटर्स कंपनी, इस तरीके से आप इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जौन सी कंपनी आपको बढ़िया लगे वो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर चॉइस है जिस कंपनी में करना चाहे। जैसे महिंद्रा का यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 1900 रुपये के लगभग इसका जो है अभी शेयर प्राइस है, और एक साल पहले कितना था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1226 रुपये के लगभग। तो इस तरीके से आप किसी भी बढ़िया कंपनी में इन्वेस्ट करके वहाँ से बढ़िया प्रॉफिट ले सकते हैं। अब बताता हूँ मैं दोस्तों आपको कि कैसे आपको कोई, मान लीजिए आपको जोमेटो के शेयर्स खरीदने हैं तो आप कैसे खरीद सकते हैं और कैसे उनको बेच सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे बाय और सेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये दो बटन आपको दिखाई देंगे ग्रीन कलर में और रेड कलर में। खरीदना है तो बाय के बटन पर इस तरीके से जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा वेट करने के बाद इस तरीके से आपका नाम आ जाएगा, और यहाँ पर एड मनी टू इन्वेस्ट इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपका जो है बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा, इस तरीके से मैंने पहले से ही ऐड कर रखा था, और जितना अमाउंट आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं 5,500 रुपये जितना भी करना चाहते हैं, जितने भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ से इस तरीके से ऐड मनी पर क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं और यहाँ से उसको बाय कर सकते हैं। और जब भी दोस्तों अपनी इन्वेस्टमेंट को आपको सेल करना है कि अब मुझे सेल करना है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है, अब मैं इसको प्रॉफिट लेना चाहता हूँ यानी कि बैंक अकाउंट में करना चाहता हूँ ट्रांसफर, तो सेल का बटन यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इसी तरीके से इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप जितना अपने इन्वेस्टमेंट करिए उसको आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप इस कौन सी एप्लीकेशन का यूज़ करके बड़े आसान तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ ग्रो एप्लीकेशन का, आप इसका यूज़ कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल नए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि इस एप्लीकेशन का इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, बड़े आसान तरीके से यहाँ पर आप स्टॉक्स बाय और सेल कर सकते हैं। मैंने दोस्तों आपको सारी चीज़ समझा दी है कैसे आप बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करके वहाँ से पैसे बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताना, और इसी से रिलेटेड अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बता देना, उसी टॉपिक पर आपके लिए एक वीडियो मैं दोबारा से बना दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।